चलो लौकर लौकर हाथ चलाओ जल्दी से। हाँ चलो खाना लगाओ जल्दी जल्दी। अमोल बाड़ा थाली लगा लौकर। हाँ हाँ मैं थाली लगा नहीं जा रहा हूँ बाथरूम में मालूम। बाथरूम में? हाँ क्योंकि बंडिया और मंदार बोले कि नहाने के बाद तुरंत खाना खाने बैठ जाएंगे। अरे विद्वान नहाने के बाद इतना तुरंत नहीं बैठेंगे कि सर पे बाल्टी खाली की और तुरंत बैठ गए खाना खाने के लिए, और ना ही ऐसे तौलिए से बदन पोछते पोछते खाना खाएंगे। इधर लगा थाली। अमोल बहू जी जरा दाल में नमक तो देखिए। कहाँ है इसमें नमक? वही नहीं, मुझे तो दिख ही नहीं रहा है इसमें नमक है ही नहीं। अरे मेरे मराठी आइंस्टाइन, ऐसे देखने से पता चलेगा कि नमक है कि नहीं। भारती बारा इधर ला। बारा बारा इसमें नमक है ही नहीं। तो मैं यही तो बोला था कि इसमें नमक है ही नहीं। वही नहीं, मैंने तो बिना चखे बोला था कि इसमें नमक नहीं है, आपको तो चखने के बाद पता चला। थैंक यू गायत्री, थैंक यू सो मच मेरे इस स्कूल फ्रेंड से मिलवाने के लिए। तुम्हारा बहुत 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 शुक्रिया। कैसी हो मेरी चबी चिक्स? चबी चिक्स? और तुम कैसा डिंपल चिन? डिंपल चिन नहीं, सॉरी स्वामी। कैसे हो मेरी स्वामी? तुम इसे स्वामी कह के क्यों बुलाती हो? मतलब तुम इसे स्वामी कह के बुलाती हो? सिर्फ मैं नहीं गायत्री, पूरी स्कूल इसे स्वामी अभिषेक गोखले बुलाती थी। और अगर मैं कहती ना कि चलो ना यार आज क्लास बंक करते, तो स्वामी कहते बच्चों क्लास बंक करना तो ज्ञान का तिरस्कार करने जैसा है बच्चों। कुछ ऐसा हाथ करके और ऐसी आंखें करके मैं प्रवचन नहीं देता था। पर बोलते तो थे ना। ये लो। और तुम्हें पता है स्कूल में हमें जब चिढ़ाते थे ना, तुम दोनों को चिढ़ाते क्यों थे? मतलब तुम दोनों को चिढ़ाते थे? हाँ सब कहते थे कि हमारा कुछ कुछ है, मुझे प्राजक्ता शेख कह के बुलाते थे। हाँ और मुझे अभिशक्ता। हाँ। और इसे लड़ाकू, कोई भी लड़का चिढ़ाता था ना तो ये उसे ऐसे पकड़ के उसे गुदगुली करती थी, और तब तक नहीं छोड़ती जब तक वो हाँ प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, ऐसे हाथ जोड़ के माफी नहीं मांगता तब तक। कैसे थे ना हमारे स्कूल डेज? I swear. ये स्वेयर भी तुमने 10th स्टैंडर्ड में लिया था हाँ? कि हम हमेशा दोस्त बनते रहे, पर तुम तो गायब भी हो गए। सुनो गायत्री, इसके पापा मेरे पापा के पुराने मित्र, ये और मैं स्कूल फ्रेंड्स, और हम मिले हैं आज पूरे 9 साल बाद, वो भी तुमने मिलवाया। हाँ थैंक्स गायत्री, और तुम, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा स्वामी। मुझे भी लड़ाकू, मैं लड़ाकू और तुम अरे चलो चलो बुलाओ सबको, अरे चलो अरे अरे ओ महान आदमी, ये बाल्टी बिल्टी लेके यहाँ क्यों खड़ा है? आप ही ने तो बोला कि बंडिया और मंदार नहाने के बाद तुरंत खाना खाएंगे लेकिन बाथरूम में नहीं, इसीलिए मैं उनको बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ना आए और तुरंत यहीं पे खाना खाने बैठ जाए, तभी तो मैं तौलिया और बाल्टी लेके खड़ा हूँ। भारती ये बाल्टी बिल्टी लेके जा हाँ, और बंडिया और मंदार को बोल कि बाथरूम में ना ले और फिर यहाँ आकर खाना खाने बैठ जाए। बैल कहीं का बैल। देखिए अन्ना कौन आया है। नमस्कार अन्ना साहब। आइए आइए आइए, अरे अंदर आइए, या 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 या
अरे ये पंडित विद्यासागर सहस्त्र बुद्धे हैं। सहस्त्र बुद्धे साहब आप कुछ हैरान परेशान दिख रहे हैं। सहस्त्र बुद्धे पंडित विद्यासागर सहस्त्र बुद्धे बहुत बड़े ज्योतिष है। अखबार में आती है इनकी भविष्यवाणी, जानती हो ना, ये कुछ भी पता कर लेते हैं। अरे वाह बराबर है, आइए आइए, बिल्कुल सही टाइम पर आए हैं आप। खाना खाने बैठ जाइए। हाँ हाँ, आज हमने पनीर पकोड़े भी बनाए हैं। ये क्या था? ये भारती थी। और ये निर्मिति है, वो अभी देखने को मिलेगी। बहनी, ये पनीर पकोड़े का इशारा ऐसे हंटर मारने का इशारा जैसे कैसा? अरे पकोड़े में कोड़े आता है ना, तो ये कोड़े मारने का इशारा था। आइए ना, बैठिए बैठिए। आप वो महेंद्र भाव को देख के क्या बता रहे थे? उनका चेहरा देख के वो बताइए ना। जी अन्ना साहब, ये कुंडली है। वो महेंद्र ठक्कर, बहुत बहुत भला है। हाँ वो गुजराती आदमी, उनकी दुकान के व्यंजन थोड़े 19-20, 12-20 है। पर मेरा गणित उल्टा कहता है, उनके व्यंजन अच्छे हो सकते हैं पर वो आदमी आपकी बर्बादी का कारण बन सकता है अन्ना साहब। हाँ अन्ना, इनका मानना है कि ये महेंद्र भाऊ आपके शत्रु साबित हो सकते हैं। शत्रु? शत्रु अन्ना साहब, ये उनकी कुंडली। और कुंडली छोड़िए, मैंने तो महेंद्र ठक्कर का चेहरा देखकर ही। क्या क्या चेहरा देखकर? क्या वो उनके चेहरे पर साफ लिखा है कि वो आपकी बर्बादी साबित होगा। हा, अरे ऐसे कैसे चेहरा पढ़ लिया आपने? उनका चेहरा क्या पाठशाला का ब्लैक बोर्ड है जिस पे लिखा है कि मैं अन्ना गोखले को बर्बाद कर दूंगा? हाँ लिखा है, उनके चेहरे पर ये साफ साफ लिखा है अन्ना साहब। तो वो अपना चेहरा धो डालेंगे साबुन से। वैसे भी वो गुजराती लोग है ना, उनके पास बहुत महंगे वाले साबुन होते हैं, इंपोर्टेड भी इंपोर्टेड। मैंने जो देखा वो कह दिया बस। नहीं नहीं नहीं, अरे तो आपने गलत देखा होगा सहस्त्र बुद्ध साहिब, आपके चश्मा का नंबर बढ़ गया होगा या तो मोती बिंदु लगा होगा आपकी आंख में, क्योंकि महेंद्र भाव तो मैं वो उन्होंने मूछ मुंडवा के जलवा नाच किया था मेरे लिए। जी मतलब मेरे मनोरंजन के लिए नहीं, मूछ मुंडवा के जलवा नाच किया था, मैं मेरी दुकान बचाने के लिए है ना। वो मुझे अपना बड़ा भाई मानते हैं है ना। वो जब मुझे गले लगाते हैं तो मुझे मेरा छोटा भाऊ विनायक याद आ जाता है ना। अरे मैं कभी से है ना है ना है ना बोल रहा हूँ तो तुम लोग जवाब क्यों नहीं देते? हाँ ऐसा क्यों नहीं बोल रहे हो तुम लोग? लेकिन आपने है कि नहीं बोलो, हाँ ऐसे नहीं बोला ना। हाँ तो जरूरी नहीं है हर बात में बोलूं है कि नहीं बोलो हाँ है कि नहीं बोलो हाँ। अपने स्वतः की कुछ सोच है कि नहीं? अभी मैं ना बोलूं ना कि है कि नहीं बोलो हाँ तो भी आपको हाँ बोलना है, समझ लो? है कि नहीं बोलो हाँ। 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 गायत्री, इस डांस कंपटीशन को स्पॉन्सर करने का आइडिया तो टेरिफिक है यार, बट इस कंपटीशन को नेशनल लेवल तक ले जाने के लिए हमें जान लगा देनी पड़ेगी। करेक्ट, उससे क्या है इनकी दुकान को तो फायदा होगा ही और पुणे का भी नाम होगा। हाँ तो स्वामी बैठे क्यों हो, कम ऑन लेट्स गेट गोइंग।
चलता हूं। अन्ना अन्ना ये तो जाने लगे। अगर भाई खाना भी नहीं खाया, बांध के दे दूं? आप ही तो कहते रहे हैं ना अन्ना कि पंडित सहस्त्र बुद्धे की भविष्यवाणी कभी गलत साबित नहीं हो सकती। हो सकती है बहनी, हो सकती है। सेम। अमोल नाम है ना इसका? हाँ। अन्ना साहब इसकी पत्नी? मेरी पत्नी सुप्रिया, लेकिन वो कोई नहीं है, वो तो सिर्फ भाग गई है, लेकिन वो फिर से मिल जाएगी। मेरे बेटे बंडिया और मेनिका को उसकी मम्मी मिल जाएगी ना? वो ना ही मिले तो बेहतर है बेटा। ना? क्योंकि अगर वो वापस आ गई तो बस बस सहस्त्र बुद्ध साहब अभी आपको देर हो जाएगी, आपको मुंबई जाने के लिए एयरपोर्ट से बस पकड़नी है ना।